खाना खाते ही पेट में दर्द शुरू हो जाना या वजन बढ़ जाना पेट पर, आंतों पर दर्द के साथ साथ किसी किसी को दस्त लग जाते हैं या पेट साफ हो जाता है, दिन में ज़्यादा बार पेट साफ होता है, ये सब समस्याओं में से अगर कोई भी समस्या आपको है तो आज का वीडियो आपके लिए जानकारी बढ़ाने वाला भी होगा और समाधान लेकर के भी मैं आया हूँ। नमस्कार, मैं नित्यानंदम श्री। पहले बताना चाहूँगा कि पेट हमारे जीवन की धुरी है, सेंटर है। हम जब तक जीवित रहते हैं हमें पेट से काम है, हमें हर चीज़ ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पेट से हमें प्रतिदिन वास्ता पड़ेगा। आप थोड़े दिन एक्सरसाइज नहीं करते, कोई काम आँखों का काम नहीं करते तो भी चल जाएगा, लेकिन पेट बिना नहीं चल सकता। इसलिए पेट को समझिए, पेट की आवाज़ को सुनिए अंदर से, क्या वो कहना चाहता है। यदि आपके पेट में खाना खाते ही प्रेशर पड़ रहा है, इसका मतलब आंतें होल्ड नहीं कर रही हैं। उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो मांसपेशियां धीरे धीरे वीक हो गई हैं या कोई इन्फेक्शन हुई है अंदर। मांसपेशियां उन्हीं की वीक होती हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते, बिल्कुल आलसी जीवन है, लेट उठते हैं, नहीं जीवन को चलाते, बहुत आलसी हैं, कुर्सी पर ही सारा दिन बैठे रहते हैं, तो कुछ महीने कुछ साल के ऐसे लाइफस्टाइल से ही उनके आंतें कमज़ोर हो सकती हैं, या बाहर का खाना खा के, हैवी खाना खा के वो सो जाते हैं, तो इससे आंतें कमज़ोर होने के चांसेस रहते हैं। उन पे जोर ज़्यादा पड़ता है उनको मेल्ट या डिज़ोल्व करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए, तो फिर वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसे सुधार लेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ हफ्तों में कुछ महीनों में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। दो ही चीज़ें करनी है, जो गलतियाँ वो कर रहे थे वो नहीं करनी, और ऊपर से एक्सरसाइज ऐड करनी है जिसमें पेट भी हिले, शरीर भी हिले, तो मांसपेशियाँ दोबारा लचकदार हो जाती हैं। यहाँ तक सोल्यूशन हो गया। जिसको पेट में इन्फेक्शन है उसकी निशानी होगी खाना खाते ही पेट में कुछ गैस बन सकती है, दस्त आ जाएगा तुरंत, पेट में भीनी भीनी दर्द भी रहेगी, अनकंफर्टेबल रहेगा, अचानक बैठे हैं, मूड अच्छा है, सारे फ्रेंड्स बैठे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कहीं से आना चाहते हैं, अचानक कोई किसी तरह का जब आपकी लाइफ में कुछ ट्विस्ट आएगा, ज़रा सा भी कुछ चेंज करने लगेंगे तो अचानक माथे पे पसीना आ जाएगा, अचानक से पेट में प्रेशर पड़ जाएगा, कुछ भीनी भीनी दर्द होनी शुरू हो जाएगी। ये लक्षण है कि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है पेट में। ये कैसे होता है? दरअसल हम फ्रिज में रख देते हैं कोई चीज़ बना करके, जैसे कि कोई किसी ने शरबत बना के रख दिया, किसी ने जूस रख दिया, किसी ने दही रख दी, किसी ने दूध रख दिया, ठंडा मिल्क शेक रख दिया, और किसी ने रोटी रख दी, पिज्ज़ा रख दिया, कुछ स्पाइसी, कुछ बाजार का या कुछ काट करके रेडी करके रख दिया। अब वो पुराना हो गया, पुराना हो गया तो क्या होगा नुकसान? ज़्यादा से ज़्यादा उसका न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, आपने खा लिया वो पच जाएगा, थोड़ी बहुत गैस करेगा। लेकिन यदि वो पुराना इस कदर हो गया कि थोड़ा थोड़ा फर्मेंट सा हो गया या उसमें कुछ बैक्टीरिया पनप गए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, हालांकि दही में भी बैक्टीरिया है लेकिन एक ही तरह के हेल्दी, लेकिन आपने खाना रख दिया, वो धीरे 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 तरह तरह के बैक्टीरियाज ने उस पर अटैक किया, उन बैक्टीरियाज की मात्रा उसमें बढ़ गई खाने में, तो आपने वो जब खाना खाया तो आंतों में भी वो बैक्टीरियाज चले गए, फिर वो बढ़ते हैं। तो ये चीज़ उससे आती है। अब आप कहेंगे जी मुझे इतनी आपने चीज़ बताई, अब इसका सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन यही है कि पहले तो वो गलतियाँ अवॉइड करें और फिर आते हैं उपचार पे। उपचार के लिए बेसिक रेमेडी, यदि आप लिक्विड दवाई नहीं पसंद करते हैं या आप चाहते हैं कि कुछ दो चार दिन से ही प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो बैक्टीरिया ज़्यादा इतने नहीं हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है, तो आप बेल का चूर्ण, बेल गिरी चूर्ण दरअसल, वो आप ले आइए। आनंदम आयुर्वेद का भी हम बनाते हैं, लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे ब्रांड का, और उस चूर्ण को आपने सुबह शाम खाने के बीच में ले लेना है, आधा खाना खा के। यदि पेट के ऊपरी हिस्से में समस्या है या बीच के हिस्से में समस्या है तो खाने के बीच में ले लीजिए उसको। यदि आपको आंतों के एंड तक समस्या फील होती है, यानी कि खाना खाते तुरंत पेट में प्रेशर पड़ना, तुरंत इसका मतलब लोअर इंटेस्टाइन में गड़बड़ भी है, तो फिर खाने के बाद थोड़ी देर बाद होती है, एक आध घंटे बाद, तो खाने के बीच में लीजिए दवाई। सुबह शाम एक एक चम्मच चूर्ण नॉर्मल पानी से लेना है, और हेल्दी खाना खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबायोटिक लीजिए, जैसे कि दही, छाछ, प्रोबायोटिक्स में फर्मेंट किया हुआ घर में राई और
खटाई, सिरके से फर्मेंट किया हुआ अचार, ये प्रोबायोटिक्स आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। और अगर समस्या ज़्यादा पुरानी है, जैसे कि 15 दिन से अधिक, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, तो हो सकता है उन बैक्टीरियाज ने इंटेस्टाइन को बहुत हार्म किया हो, कुछ नुकसान पहुँचाए हों, कुछ वहाँ पे आंतों को, हो सकता है कुछ अल्सर्स भी दिए हों छोटे छोटे, या कुछ ऐसी चीज़ हो, तो ऐसे में आपको उनसे लड़ने के लिए हेल्दी बैक्टीरियाज भेजने हैं आंतों में ज़्यादा मात्रा में, जो उनको किल करे रोज़ जा करके। तो फिर क्या करना है, फिर आपको बिल्वासव चाहिए। बिल्वासव आपको sanskritibazaar.com से मिल जाएगा, लेकिन आप अपने आसपास यदि किसी मेडिकल या फिर आयुर्वेदिक स्टोर पर अगर उपलब्ध हो तो उससे जुड़कर आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको 4-4 चम्मच बिल्वासव में 4-4 चम्मच पानी मिला के खाने के बाद पीना है, दिन में 2-3 बार। 4 चम्मच से 1-2 दिन में आराम नहीं आया, कम लग रहा है, 6-6, 8-8 चम्मच भी लिए जा सकते हैं, बशर्ते इतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में आपने वासव लेना है उतना ही पानी मिक्स करना है। दूसरी शर्त ये है कि वो आपको एसिडिटी ना करे, तो समझ लीजिए आपके लिए डोज ठीक है, चाहे फिर आधी कटोरी क्यों ना पी ले कोई, लेकिन उसके बाद जलन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को जलन हल्की सी भी हो तो समझ लीजिए थोड़ी डोज कम कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको ये बिल्वासव पीना है, जो है दूसरे बैक्टीरिया को किल करेगा, जैसे एच पायलोरी या फिर कोई छोटा मोटा और बैक्टीरिया आंतों में चला गया है जिसकी वजह से गैस बन रही है ज़्यादा, वो गैस क्रिएट कर रहा है, या फिर कई बैक्टीरियाज दर्द करते हैं, कई बैक्टीरियाज आंतों को हार्म पहुंचाते हैं, कई बदबू फैलाते हैं, तो ये सारे बैक्टीरियाज की निशानियों को मैंने जो बताया, इसके लिए बिल्वासव बढ़िया है। अब कई बार बिल्वासव तो आप ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन ना आपको लगता है जितने दिन लिया उतने दिन ठीक होता है, जितने दिन नहीं लिया फिर गड़बड़ हो गई। तो ऐसे में आपको 5-7-10 चीज़ें नहीं खानी जो मैं बता देता हूँ, और 5-7-10 ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो रोज़ खानी है। तो 10 चीज़ें जो नहीं खानी, 8-10, वो ये हैं, जैसे कि आइसक्रीम जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुँचाती है, हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देती, या बहुत गर्म कॉफ़ी, बहुत गर्म पेय, कोई जलता जलता खाना, बहुत सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बाज़ार का खाना, मैदा, और जो सड़ता है जा कर के ऐसा फ्रोज़न, और बहुत पुराना फ्रिज का, या हैवी दालें जैसे माँ, राजमा, जिनको पचाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया लगते हैं हेल्दी वाले, उनको नहीं लेना। फिर क्या लेना है आपको हेल्दी डाइट में, मूंग दाल ले लेनी है, छाछ पी लेनी है, दही घोल के पी लेनी है, दही में बूंदी डाल कर ले लीजिए, ऐसी ऑप्शन, नमकीन बना लीजिए, और आपको खीर खा लेनी है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पच जाती है तो, कभी पेट बहुत गर्म फील हो रहा है। आपको कांजी मैंने बताई थी गाजर की, वो भी एक प्रोबायोटिक है, अच्छा, बहुत सुंदर, टेस्टी, खट्टी खट्टी गाजर की कांजी, वो पी लीजिए। आप फल सब्जियां और सूप ले लीजिए, आप ऐसी चीज़ लीजिए कि जो जल्दी पच जाए, लेकिन कच्चा सलाद और कच्ची सब्जियाँ जो कि आपको फिर जा कर के पेट में पचाने के लिए पेट की ज़्यादा अग्नि कंज्यूम करती हैं, खासकर तब जब पेट ठीक नहीं है तब, तो ऐसे में आपको पेट की अग्नि मंद पड़ी हुई है, तो फिर ये चीज़ें नहीं लेनी जो पानी वाली, वाटर कंटेंट वाली, कच्ची होती हैं, वो ना लेकर के हेल्दी जिसमें पानी पक चुका है, जैसे कि कोई सब्जी जिसको उबाल उबाल करके उसमें सारा आपने रस ले लिया हो, इन चीज़ों से हाजमा तेज करिए। मसाले उतने ही लेना जो आप मसाले अंदर जाके आग ना लगाएं, हल्के हल्के, थोड़ा जीरा, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा कभी कभार कड़ी पत्ता, और थोड़ा सा हल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत आमचूरा, या कुछ हल्का टेस्ट के लिए वो भी टमाटर या कुछ, इतना, इससे अधिक ज़्यादा मसाले नहीं लेने, जैसे कि काली मिर्च ले रहे हैं उसमें देगी मिर्च डाल दी, लाल मिर्च डाल दी, और पता नहीं मोटी इलायची डाल दी, हाँ दालचीनी ज़रूर डाल सकते हैं, उबलने के वक्त डलेगी, उबल के अलग हो जाएगी वो। तो ये चीज़ें मैंने आपको गाइड करी आज पेट को कैसे ठीक करना है। कुछ इसके अलावा जल्दी उठना है और जल्दी सोना है, डीप ब्रीदिंग जरूर करनी है, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ाना है, फ्रेश पानी दिन भर थोड़ा थोड़ा घुट 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 करके अपने पास रखना है,
फ्रेश पानी पीना है, बासी नहीं पीना है जो बॉटल में भर के कल का रखा हुआ, वहाँ से भी कई बार ये समस्याएं पेट की आ जाती हैं। आपको पता नहीं चलता मेरे को बैक्टीरिया इन्फेक्शन कहाँ से हुई, मैंने गंदा पानी पिया कि गंदा खाना खाया। इसलिए मैंने आपको ये बताई चीज़ें, ज़्यादा घबराना नहीं है। इसके ऊपर यदि समस्या, कई बार कोई 5% केस होते हैं जिनकी चली जाती है, उनके लिए फिर वैद्यों का परामर्श, उनकी गाइडेंस, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी कस्टडी में, उनकी मॉनिटरिंग में आप रह करके यदि करते हैं तो फिर संभव है। तो ये जानकारी भी बढ़ाएगी वीडियो आपकी, और आप दूसरों को गाइड भी कर सकेंगे, समस्या होने से भी बचेंगे। आपको ये कार्यक्रम मेरे कैसे लगते हैं मुझे नीचे ज़रूर बताना। मुझसे जुड़ना चाहते हैं यदि तो मुझे आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर मेरी खुद की वेबसाइट www.nityanandamshree.com पे जाकर मेरे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, मेरी तरह तरह की जो स्टडीज़ हैं उसको मैं वहाँ पब्लिश करता रहता हूँ। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो, एक नए कार्यक्रम के लिए। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, ताकि हम मिल करके दूसरों को भी ये गुण, ये चिकित्साएं, ये हमारे गुरुओं का ज्ञान, ग्रंथों की चीज़ें बांट सकें। आज की अवेयरनेस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।